गुड इवनिंग एंड जैन स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आई एम सपना सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। नाउ टुडे वी डिस्कस क्लास 12 चैप्टर 9, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इट्स पार्ट 2। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस कंटेक्स्ट ऑफ द 1990s। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस डेक्लाइन पार्टी। सो आवर फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग लेट 60s द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज चैलेंज्ड, but Congress under leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its predominant position। जैसा कि हमें देखने को मिला था previous chapters में, हमने देखा था कि 60s के बाद जो Congress party थी वो अपनी dominance को कहीं ना कहीं खो चुकी थी, लेकिन after इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की daughter ने जब leadership को संभाला, तो कहीं ना कहीं जो कोई भी डोमिनेंस थी कांग्रेस पार्टी की वो वापस आ गई थी और उसने अपनी इमेज को वापस पा लिया था। नाउ आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1989 पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया इनिशिएटेड एन एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर इन विच रीजनल पार्टीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग रूलिंग अलायंसेज। 1989 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी का जो रुतबा था वो पूरी तरह से खो गया था और कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी में वोट नहीं मिल पाए थे। उस टाइम में कोलिजन की गवर्नमेंट बनी थी, काफी सारी पार्टीज ने अपना अलायंस बनाया था कांग्रेस के आगे जाके और कोलिजन की गवर्नमेंट बनाई थी। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 1984 के बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे और फिर जब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद जब 1989 के इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेजोरिटी को खो दिया था, मेजोरिटी में वोट नहीं पा पाई थी। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही नीचे आ गई थी, कांग्रेस पार्टी बस मेजोरिटी में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, कोलिजन की गवर्नमेंट उस टाइम में बनानी पड़ी थी। 1989 के बाद का जो पीरियड रहा 2004 तक ऐसा ही रहा, कंटिन्यू कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी में वोटिंग नहीं बना पाई, हमेशा कोलिजन की गवर्नमेंट ही बनती आई। 2014 तक ऐसा रहा और 2014 के बाद बीजेपी बहुत बड़ी मात्रा में 2014 में मेजोरिटी में उसने वोटिंग पाई और अपनी गवर्नमेंट बनाई। अलायंस ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्शन 1989 लेड टू द न्यू डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्टेड। जैसे मैंने बताया 1989 के बाद कोलिजन की गवर्नमेंट कंटिन्यू बनती आई थी एंड रीजनल पार्टीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन 1996। और जो कोलिजन के गवर्नमेंट बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा था रीजनल पार्टीज का, और उन रीजनल पार्टीज में बीएसपी जो थी वो कोलिजन की गवर्नमेंट में बनाने के लिए सबसे ज्यादा पावर्स में आई थी। उस टाइम में काशीराम जी की जो पार्टी थी बीएसपी, उसने नेशनल पार्टी बनाने के लिए, कोलिजन गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया था। द बीजेपी कंटिन्यूड टू कंसोलिडेटेड इस पोजीशन इन इलेक्शन ऑफ 1991 एंड 1996 एंड इट्स एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द 1996 इलेक्शन एंड वाज इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और उसके बाद बीजेपी 1996 के बाद बीजेपी एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में या गवर्नमेंट उसने बनाई थी। विद द इलेक्शन ऑफ 1989 अ लॉन्ग फेस ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स बिगेन इन इंडिया एंड सिंस देन देयर हैव बीन 9 गवर्नमेंट्स एट द सेंटर ऑल ऑफ विच हैव द आइदर बीन कोलिजन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स सपोर्टेड बाय अदर पार्टीज। और 1989 के इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनी 2014 तक वो केवल कोलिजन की गवर्नमेंट ही बनती रही। जो कोलिजन वर्ड था उसके 1989 के इलेक्शन के बाद काफी बड़ी तरह से उभर के आया था। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।